हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में मौजूद हूं। यहां पर आप तस्वीर के माध्यम से हम दिखा पा रहे हैं कि सिमरी बख्तियारपुर जो थाना है वहां पर मीटिंग चल रही है। मीटिंग में जो है डीएसपी साहब जो है इम्तियाज़ अहमद है वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार वहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ जो है चेयरमैन प्रतिनिधि हसन आलम और उप चेयरमैन प्रतिनिधि जो है विकास कुमार बिक्की भी वहाँ पर मौजूद हैं। बाकी सारे ग्रामीण गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी के साथ जो है मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में जो है 26 जनवरी को लेकर के और साथ साथ सरस्वती पूजा को लेकर के जो है मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में साफ तौर पर चर्चा हो रही है कि किस तरह का काम हो ताकि कोई हुड़दंगी ना हो, कोई परेशानी ना हो, फोर्स जो है वो मुस्तैद रहेगी, नगर परिषद में कोई तरह की कोई बात ना हो, इसको लेकर के जो है मीटिंग की गई थी। इस संदर्भ में पहले डीएसपी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के मौके पर शांति सिंह जी बैठे थे, लोगों से फीडबैक लिया गया कि कहाँ कहाँ पूजा होगा, उनको बताया गया कि फोर्स जो है मुस्तैद रहेगी। और भी कुछ मतलब परेशानियों बताई? ऐसा कोई इशू नहीं है, ये यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा रही है। बख्तियारपुर के लोग बहुत ही शांतिपूर्वक और अमन पूर्वक त्यौहार मनाते आए और मनाते रहे। आपकी तरफ से क्या संदेश है सर? मेरी तरफ से ये संदेश है कि सब अच्छे से मंगाए। मेरी तरफ से ये है कि बधाई सबका, गणतंत्र दिवस की बधाई, और अच्छे से त्यौहार मनाए, प्यार अमन के साथ रहें। तो आपने सुना डीएसपी इम्तियाज अहमद ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी तरफ से सभी को जो है 26 जनवरी और साथ ही साथ सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी लोग जो है प्यार मोहब्बत से आपसी सद्भाव के साथ जो है त्यौहार को मनाएं। इसी सब बातों पर जो है चर्चा हुई थी सभी लोगों के साथ बैठ करके। अपने अपने जो जगह हैं, जो वार्ड है, उन वहाँ आप जाकर जो है सभी लोग देखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, और सभी लोग आपसी सद्भाव के साथ जो सौहार्द के साथ जो है त्यौहार मनाएं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।